नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में इसे आप डाल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बना रही हूँ, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम दूसरे रंग का ऊन अटैच कर लेंगे और पहला फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर सीधा, फिर स्लिप करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करते हुए और अगला फंदा सीधा बुनते हुए सारे फंदे बुन लिए गए हैं। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड, तो दूसरी लाइन में स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर देने हैं और बुने हुए फंदे सीधा बुनना है। उन अपनी ओर करना है, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है, उन दूसरी ओर करना है और बुना हुआ फंदा सीधा बुनना है। उन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। तो दूसरी लाइन में हमें बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, तीसरी लाइन हम इसी रंग के ऊन से यानी सेकेंडरी कलर से और बुने हुए फंदे को इस लाइन में स्लिप कर लेना है। पहले फंदे को पर्ल वाइल ऐसे डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और अब की बार जिसे हमने पिछले लाइन में स्लिप किया था उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और बुने हुए फंदे को जिसे हमने पिछली लाइन में सीधा बुना था उसे हम स्लिप कर लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। यानी कि इस रंग में ये प्राइमरी कलर वाले जो फंदे दिखाई दे रहे हैं उसे हमें सीधा बुन लेना है और सेकेंडरी कलर, ये हमारा सेकेंडरी कलर है तो इस रंग का हमें फंदा स्लिप कर लेना है और ये प्राइमरी कलर वाला फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह एक फंदे को सीधा बुनते हुए और एक फंदे को स्लिप करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे भी हम स्लिप कर लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और ये फंदा देखिए बुना हुआ फंदा है, देखिए ये प्राइमरी कलर का ऊन दिखाई दे रहा है, ये बुना हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे और ये फंदा देखिए स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे और ये बुना हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे वापस स्लिप करेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। तो हमें एक फंदा सीधा बुनना है और एक फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, अब हम अपने प्राइमरी कलर से बुनेंगे और पहला फंदा सीधा, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा और अगला फंदा स्लिप करेंगे। अल्टरनेट हमें बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है, अगला फंदा स्लिप करना है। इस तरह एक एक फंदा सीधा बुनते हुए एक फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। सिक्स्थ रो और रॉन्ग साइड, पहला फंदा स्लिप किया हुआ फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे, दूसरा फंदा ये बुना हुआ है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। हमें दोनों तरफ से सिर्फ सीधा सीधा बुनना है, जो फंदे बुने गए हैं उन्हें पीछे से भी सीधा ही बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है। बुने हुए फंदे को रॉन्ग साइड से भी सीधा ही बुनना है
और स्लिप करने से पहले, फंदे को स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ कर लेना है। उनको अपनी तरफ किया, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप किया, उनको दूसरी तरफ किया और बुना हुआ फंदा सीधा। तो इस तरह हमें एक फंदा सीधा बुनते हुए और एक फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड। फिफ्थ रो में हमने पहला फंदा सीधा बुना था, तो इस रो में हमें पहला फंदा स्लिप करना है। पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे, उनको दूसरी तरफ करेंगे और स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है। तीसरा फंदा देखिए बुना हुआ है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। चौथा फंदा स्लिप किया हुआ है, इसे हम सीधा बुनेंगे। बुना हुआ फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। पाँचवीं लाइन में बुने हुए फंदे को स्लिप करना है और स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुनना है। तो एक फंदे को स्लिप करते हुए और अगले फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। एट रो और रॉन्ग साइड। अब पहला फंदा एज स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा स्लिप किया हुआ है तो इसे भी हम स्लिप कर लेंगे और फिर उन दूसरी ओर करेंगे। अगले फंदे देखिए हमने इसे सीधा बुना था तो इस लाइन में भी रॉन्ग साइड से भी इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर किए करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और ये देखिए इसे हमने सीधा बुना था सेवेंथ रो में तो इसे हम वापस सीधा बुनेंगे। तो स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए, स्लिप करने से पहले उनको अपनी तरफ करना है। देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे स्लिप करेंगे लेकिन उनको अपनी तरफ कर लेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स डिज़ाइन तैयार है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है और हम इस डिज़ाइन को मोटे ऊन और मोटे सिलाई से बनाएं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।